कि मेरे गांव के कुत्तों का नेता भौंक भौंक के कर रहा था ऐलान, प्यारे कुत्ते भाइयों हो जाओ सावधान, हमारी भी है कुछ इज्जत की शान, आज आदमी घुसखोरों को कुत्ता कह रहा है, आपसी मतभेद के कारण हम सुन तो रहे हैं, कल तक जो हमारी वफादारी के कायल थे आज खुलेआम हमारा उपहास कर रहे हैं, हमारी तुलना घुसखोर डंडाधारियों, कामचोर कर्मचारियों, मुनाफाखोर व्यापारियों, यहाँ तक कि भ्रष्ट खतरदारियों से कर रहे हैं। बहुत अच्छा, हमारी तुलना घुसखोर डंडाधारियों, कामचोर कर्मचारियों, मुनाफाखोर व्यापारियों, यहाँ तक कि भ्रष्ट खतरदारियों से कर रहे हैं। जात के नाम पर आओ खाए कसम, जात के नाम पर आओ खाए कसम, एक हो रहेंगे हम, अब न किसी को काटेंगे न टोकेंगे, यदि वो कुत्ता है वही भौंके, हम नहीं भौंकेंगे। मेरा ऐसा वैसा करने का कोई इरादा नहीं है, बहुत देर से आप लोगों का खून पिया गया, शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, कोई ज्ञान की बात नहीं करूँगा, ज्ञान से मेरा वैसा ही संबंध है जैसा मल्लिका शेरावत का कपड़ों से। अच्छे, कोई ज्ञान की बात नहीं करूँगा, मेरी कविता में सारे मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ मीडिया से, मेरी कविता में आपको कहीं भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग लगाने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं दिमाग लगा के कुछ कहता ही नहीं है। सच तो यह है कि मेरे पास दिमाग है भी नहीं, बहुत सारी बातें, तीन हिस्से खाली कुर्सियों को प्रणाम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, जमीन पर खड़े जमींदारों को प्रणाम कर रहा हूँ, आप चेयर पर बैठे चेयरमैनों को प्रणाम कर रहा हूँ, गद्दा पर बैठे देश के गद्दारों को प्रणाम कर रहा हूँ। दरअसल में प्रणाम करने की आदत मेरी बचपन से ही रही है, पहले जब भी घर से बाहर निकलता था। क्या बात है, अरे बारे मेरे सड़ू भाई। कुछ बातें मैं कर रहा था, ऐसे टाइम में मुझे बुलाया गया है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ूं, बहरहाल कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। एक समाचार, चूंकि मीडिया का कार्यक्रम है, उपजा का कार्यक्रम है, एक समाचार पिछले दिनों बहुत सुर्खियों में था, एक भजन के बहुत बड़े गायक बुढ़ापे में शादी कर लिए, बात वहीं से शुरू कर रहा हूं, और मैं ये भी देखना चाहता हूं कि मुझे कितनी देर तक माइक पे रहना है। नीरो चीफ अमर उजाला पढ़िए। अच्छा, घर से फोन आया है। नहीं सर, इस टाइम दो ही लोगों का फोन आता है, या तो उधार का नहीं तो जुगाड़ का। आप लोग बड़े लोग हैं, पहला वाला तो हो सकता है, दूसरा वाला नहीं हो सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि पिछले दिनों मीडिया में एक बहुत उछला हुआ था, एक भजन के सिंगर ने बुढ़ापे में शादी कर ली, बात वहीं से शुरू कर रहा हूँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे कितनी देर तक माइक पर रहना है, ज़्यादा देर तक माइक पर रह के अपनी इज्जत आबरू खतरे में डालना नहीं चाह रहा हूँ। भजन के गायक ने शादी जब कर ली, वहीं से चार पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ कि मन मीरा सुर तुलसी में बसाने लगा हूँ, मन मीरा सुर तुलसी में बसाने लगा हूँ, कि मन मीरा सुर तुलसी में बसाने लगा हूँ, पद भक्ति के रागों को गुनगुनाने लगा हूँ, जब से सुना जलोटा को जसलीन मिल गई, जब से सुना जलोटा को जसलीन मिल गई, सब काम धाम छोड़ भजन गाने लगा। अगर बात पहुंच गई हो तो एक बार जोरदार तालियों से आप सबका समर्थन चाहता हूं। पिछले काल में बहुत सारे बाबा पकड़े गए, ये सिलसिला रुक नहीं रहा था। मैंने जब अध्ययन किया
तो मुझे लगा कि ये सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा है। 15 दिन 20 दिन एक महीने में एक बाबा पकड़ा जा रहा था। जब मैंने मंथन किया तो मुझे समझ में आया कि इस देश में कानून से सजा से लोगों का डर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। क्या सजा होनी चाहिए ताकि सबके अंदर डर पैदा हो जाए। अगर कोई इस तरह का कृत्य कोई करता हुआ पकड़ा जाए तो क्या सजा होनी चाहिए। और एक अगर अच्छा लगेगा तो एक बार जोरदार तालियों से आपका समर्थन, एक बार मुझे जोरदार ताली बजा के आदेशित कर दीजिए। मन नहीं बन पा रहा है। अगर कोई बाबा या कोई आदमी इस तरह का कृत्य करता हुआ पकड़ा जाए तो क्या सजा होनी चाहिए। कि जो देश द्रोही हो उन्हें सूली चढ़ाइए। क्या बात है। जो देश द्रोही हो उन्हें सूली चढ़ाइए, पत्थर चलाने वालों पे गोली चलाइए। जो देश द्रोही हो उन्हें सूली चढ़ाइए, पत्थर चलाने वालों पे गोली चलाइए। यदि नित्य दुराचार में कोई मिले बाबा, यदि नित्य दुराचार में कोई मिले बाबा, ले जाके अस्पताल में बधिया कराइए। क्या वाह, बहुत। अब आप लोगों को लगा होगा कि मैं अच्छा कवि हूँ। मैं भी अच्छा कवि हूँ। ऐसा नहीं कि मुझसे अच्छे कवि नहीं हुए। दो साहब जोड़े से जा रहे हैं। भगवान इन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय रखे। एक साल बाद जब फिर कार्यक्रम में आए तो कुछ ना कुछ मिलता है, वो हम लोगों को खुशखबरी मिले। तो मैं ये कह रहा था कि अब आप लोगों को लगा होगा कि मैं अच्छा कवि हूँ। वास्तव में सुभाष भैया मैं बहुत अच्छा कवि हूँ, बहुत टॉप क्लास का कवि हूँ। यही बात मैं पत्नी से कहता हूँ तो मुझे पागल कहती है। अब पता नहीं औरतें कवियों को पागल क्यों समझती हैं। इस मामले में मिथिलेश भाई की पत्नी तो इनको परमानेंट पागल समझती है। लेकिन सही बताऊं कि मैं अच्छा कवि हूं, ऐसा नहीं कि मुझसे अच्छे कवि नहीं हुए। सूर कबीर तुलसी वगैरह वगैरह लोग अच्छे कवि थे, मर गए। आजकल इन लोगों के नाम पे बिनी और जर्दा बिक रहा है। मैं तो मरूंगा भी नहीं, सही बता रहा हूँ। नहीं मरूंगा, इसलिए नहीं मरूंगा क्योंकि मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, अवतार लिया। और आप पढ़े लिखे पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, विद्वत जन बैठे हुए, जानते होंगे कि जितने भी अवतार हुए सब मजबूरी में हुए। जितने अवतार, रामावतार कृष्णावतार जो भी हुआ मजबूरी में हुआ। इस कलयुग में मजबूरी में मेरा फजीहता अवतार हुआ। कब मेरे जैसे हास्य के कवि को मजबूरी में अवतार लेना पड़ता है मैं बताऊं। और अच्छा लगेगा तो जोरदार तालियों से आपका समर्थन चाहूंगा, आपका आशीर्वाद चाहूंगा, आपका प्यार चाहूंगा। कब मेरे जैसा हास्य का कवि मजबूरी में अवतार लेता है कि पत्नी हो रणचंडिका, बहुत अच्छा, मैं हरि हो रणचंडिका, छोटा ससुरासार। पत्नी हो रणचंडिका, छोटा ससुरासार, मिले सास खूंखार, जब तब होता अवतार, फसीहत तब होता अवतार। बोलो स्वामी भजदानंद महाराज की। चूंकि समय ज्यादा हो गया है, हम लोगों को आदरणीय डॉक्टर सुरेश जी तक पहुंचना है, जिनको सुन के हम लोगों ने कविताएं इनके चरणों में लिखना शुरू किया, उन तक पहुंचना है। इसलिए मैं एक कविता पढ़ के शहीद हो जा रहा हूं। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि फजीहत बड़ा बक 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 बोलते हो, बता सकते हो कि आदमी और भालू में क्या अंतर होता है। सुभाष भैया सुनेगा। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि आदरणीय आदमी और भालू में क्या अंतर होता है। मैंने कहा ये तो कोई बेवकूफ भी बता सकता है। बोले इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ।
इन्होंने कहा आदमी और भालू में क्या अंतर होता है? मैंने कहा डॉक्टर साहब साधारण सी बात है, भालू हजामत नहीं बनवाता, सेव नहीं करता है। इन्होंने कहा तब एक बात और बताओ कि आदमी और बंदर में क्या अंतर होता है? मैंने कहा बंदर अंडरवियर नहीं पहनता है। इन्होंने कहा तब एक बात और बताओ कि आदमी और कुत्ते में क्या अंतर होता है? मैंने कहा कुत्ता वफादार होता है। इन्होंने कहा आदमी और कुत्ते में क्या अंतर होता है? मैंने कहा कुत्ता वफादार होता है। इन्होंने कहा तब एक अंतिम बात बताओ कि आदमी और भ्रष्ट नेता में क्या अंतर होता है? और मैंने जो जवाब दिया है लगे कि मैंने सही जवाब दिया। मेरा जवाब आप सब उपजा के पत्रकारों का जवाब है, तो एक पत्रकार की हैसियत से हम मेरा हिम्मत बढ़ाइएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा। इन्होंने कहा आदमी और भ्रष्ट नेता में क्या अंतर होता है? मैंने कहा आदमी थोड़ी सी कोशिश करे तो भ्रष्ट नेता बन सकता है। भ्रष्ट नेता लाख कोशिश करे आदमी नहीं बन सकता। कि मेरे गांव के एक बहन की कविता पढ़ के मैं अपना स्थान ले रहा हूं, चूंकि बड़े लोगों तक हमको पहुंचना है। आदरणीय रंजना राय जी हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, बड़े भाई झगड़ू भैया हैं जो हास्य के बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत बड़े रचनाकार हैं लोक भाषा के, और आपको आकाशवाणी से दिखते हैं। एक बहन की रचना पढ़ के भैया आप सबके आशीर्वाद अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूँ। एक व्यंग की रचना पढ़ता हूँ कि मेरे गांव के कुत्तों का नेता भौंक भौंक के कर रहा था ऐलान। मेरे गांव के कुत्तों का नेता भौंक भौंक के कर रहा था ऐलान, प्यारे कुत्ते भाइयों हो जाओ सावधान, आज भी है हमारी इज्जत कुशान। आज आदमी घुसखोरों को कुत्ता कह रहे हैं। क्या बात है, हरिओम भाई सुनिएगा। कि मेरे गांव के कुत्तों का नेता भौंक भौंक के कर रहा था ऐलान, प्यारे कुत्ते भाइयों हो जाओ सावधान, हमारी भी है कुछ इज्जत की शान। आज आदमी घुसखोरों को कुत्ता कह रहा है, आपसी मतभेद के कारण हम सुन तो रहे हैं। कल तक जो हमारी वफादारी के कायल थे आज खुलेआम हमारा उपहास कर रहे हैं। हमारी तुलना घुसखोर डंडाधारियों, कामचोर कर्मचारियों, मुनाफाखोर व्यापारियों, यहाँ तक कि भ्रष्ट खतरदारियों से कर रहे हैं। बहुत अच्छा। हमारी तुलना घुसखोर डंडाधारियों, कामचोर कर्मचारियों, मुनाफाखोर व्यापारियों, यहाँ तक कि भ्रष्ट खतरदारियों से कर रहे हैं। जात के नाम पर आओ खाए कसम, जात के नाम पर आओ खाए कसम, एक हो रहेंगे हम, अब न किसी को काटेंगे न टोकेंगे। यदि वो कुत्ता है वही भौंके, हम नहीं भौंकेंगे।